हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, सुबह का टाइम है और ये भाजी लाए हैं मेरे देवर जी। खेत का है, हमारा नहीं है, उनके जो मैदान है ना उनके खेत का है, तो ये बड़ा बड़ा है ले आए हैं। उसको ना हाथ से मतलब नहीं तोड़े हैं, इसको ना जो होता है ना जो हम लोग हंसिया बोलते हैं उसे मैं से काट के ले आए हैं। देखिए कितना घास है, इसको छांट दूँगी मैं, पत्ते पत्ते को छांट के रख दूँगी, इसकी सब्जी बनाएंगे हम लोग। और जितना भी मतलब बड़ा बड़ा हो गया है ये, तो ऐसे छांटना है। देखिए पत्ते पत्ते को छांट रही हूँ मैं, तो एक जगह ले आती हूँ उसमें छांट के रख दूँगी। और आज है मंगलवार, मंगलवार को मैं बताई थी ना मंगला पूजा होता है, तो उपवास ना मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी देवरानी कर रही है, तो खाना मैं बनाऊँगी। देखिए मैंने छांट लिया है और इतना सारा गंदा निकला है, ये मेरी सासू माँ छांटने में मेरी मदद कर रही थी, तो जितना गंदा निकला है उसको फेंक देंगे। और थोड़ा सा कि बच गया है इसको रख देंगे, इसको ना हम लोग कल बनाएंगे या फिर शाम को बना लेंगे। तो देखिए इतना मैंने छांट लिया है, इसी को रख दूँगी मैं। और देखिए मैं नहा के भी आ गई थी, सब्जी को छांटने के बाद ना मैं नहाने चली गई थी और नहा के आ गई हूँ, अभी खाना बनाऊँगी। और मेरी देवरानी उपवास कर रही है, तो उसको मैं हूँ, मैं तो खाना मैं बना दूँगी। तो जिनके यहाँ देवरानी जेठानी नहीं होती है ना, एक ही बहू होती है, वो खाना भी बनाते हैं और उपवास करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो दो बहू हैं तो मैं खाना बना दूँगी। तो आज ना मैं जो भाजी दिखा रहे थे ना आपको, उसको ना हम लोग घुटनी भाजी बोलते हैं, वो ना ऐसे गर्मी के मौसम में ही मतलब अच्छा लगता है, उसको उगाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग उड़िया लोग, उसको उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। उस तरफ ना मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, इस तरफ ना घुटनी भाजी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो देखिए घुटनी भाजी को ना ऐसे प्याज डाल के बनाऊँगी, तो दो बड़े प्याज मैंने काट लिए थे, क्योंकि भाजी में ना प्याज अच्छे से डालेंगे तो अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा प्याज जो है वो भुना चुका था, तो उसके ऊपर ना भाजी को डाल दूँगी। और ज़्यादा प्याज को नहीं भुनना है, क्योंकि ना पकेगा थोड़ा भाजी में। तो देखिए जो लाल दिखाई दे रही है ना, वो ना एक लाल भाजी का एक पेड़ भी उसमें आ गया था, तो मेरी सासू माँ ने उसको नहीं फेंकी है, उसी को दे दी है, बोलने की इसको क्यों फेंकेंगे, ये भी तो भाजी है, तो उसी को मैं डाल दी हूँ। इसी वजह से थोड़ा रंग भी आ गया, देखिए प्याज में लाल का, लाल भाजी का बस एक ही पेड़ था और आगे है। तो देखिए मैं इसको पलट दूंगी, और अभी ना नमक नहीं डाली हूँ, ये भाजी ना थोड़ा कम हो जाता है पकने के बाद, तो थोड़ा कम हुआ तभी मैं नमक डाली हूँ, पहले बहुत ज़्यादा था ना, कढ़ाई में नहीं आ रहा था। देखिए और उस तरफ ना मैं भिंडी को भी चला रही हूँ, ताकि नीचे चिपके नहीं, जल जाता है नीचे चलाने से, इस वजह से ना दोनों तरफ मैं काम कर रही हूँ। और देखिए मेरा भाजी कितना कम हो गया है, और नमक ना आप ना बनाएंगे ना भाजी को देख के नमक डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है। तो ये भाजी पहली बार आज हमारे घर में आया है, घुटनी भाजी, तो वो अपना घुटनी भाजी खाएंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना घुटनी भाजी और खड़ा भाजी बोलते हैं हम लोग, तो वो अच्छा लगता है, भाजियाँ अच्छी लगती हैं। और हम लोग ना पखाल बनाते हैं, सूखा भात नहीं बनाते हैं, जो पानी वाला भात आता है ना हम लोग पखाल बोलते हैं, उसी को खाते हैं नमक मिर्च के साथ और सूखी सब्जी के साथ, खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मैं भिंडी की सब्ज़ी भी बन गया है, उसमें मैं धनिया पत्ती डाल दी हूँ, ये लास्ट का मेरा है, मतलब सब्ज़ी बन गया था उसके बाद तैयार हो गया था सब्ज़ी, उसके बाद ना मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती, तो ये बन गया है। देखिए तभी ना मेरा बेटे को मैं नहला के ले आई हूँ, बारी तब जो नल है ना उसी के पास नहलाई हूँ, ये ना पता नहीं दाद आ रहा है कि क्या है, थोड़ा मतलब पतला वाला दस्त, मतलब लैट्रिन कर रहा है, दस्त हो गया है या फिर दांत के कारण ऐसा हो रहा है पता नहीं है, बुखार तो नहीं है, लेकिन इसका जितने बार दांत आया है ना पहले, उतने बार उसका तबीयत ख़राब हुआ था, दस्त हुआ था। एक बार तो ना दस्त के कारण इसको ना रायगढ़ में एडमिट करना पड़ा था, चार दिन रुके थे हॉस्पिटल में हम लोग, क्योंकि दस्त ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो बुखार तो है नहीं, और दस्त मतलब दो बार तीन बार दिन में कर दे रहा है ना, इसी वजह से मैं डर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि दांत आ रहा है, इसी वजह से आ जा रहा है दस्त, तो मैं नहला के उसको ले आई हूँ। और आज ना शैम्पू में इसका बाल भी धो दी हूँ, देखिए कैसे दिख रहा है, ये देखिए पहली बार आप लोग बिना चोटी के देखेंगे, बहुत परेशान करता है, रो रहा था ये जब नहाता है ना, बहुत रोता है। और देखिए मेरी सासू माँ भी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि मंगलवार को मंगला पूजा है, तो ये ना जो मूंग का हलवा होता है वो बनाई है, और ये ना हम लोग 13 लड्डू बनाते हैं लाई का, तो उसको बना रही हैं, और चने दाल का भी लड्डू बनता है 13 ठो। और ये गोविंदा की मम्मी ना जा रही हैं, तैयारी हो गया था उनका, हमारा तैयारी नहीं हुआ था, थोड़ी देर बाद हम लोग गए थे। और ये देखिए आ गए हम लोग, ऐसे पूजा करते हैं।
तो ये ना हमारा घर नहीं है, चाची लोगों का जो सामने गली में घर है ना उनका है, एक साथ करते हैं हम लोग। तो कुल मिला के हमारे परिवार में 14 घर हैं, और 14 घर ना 3 जगह मनाते हैं इस त्यौहार को। हम 4 घर मनाते हैं और ऐसे 2 जगह मनाया जाता है इकट्ठा होके। तो देखिए जो लाई का दिखाई दे रहा है ना उसको जुगार बोला जाता है। तो हम लोग ना 4 जुगार लाए हैं, हमारा घर, गोविंदा घर और जो चाची के घर में हो रहा है वो लोग 4 ऐसे बनाते हैं। और देखिए जो चित्र दिखाई दे रहा है ना वो माँ मंगला का चित्र है, लेकिन वो ना दशहरा का त्यौहार का चित्र है। और जो नीचे जो हत्था दिखाई दे रहा है ना हाथ से बना हुआ, वो इस बार का है चैत्र मास का। तो चैत्र मास में ना हाथ का पूजा किया जाता है। और जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना वो ना दशहरा में जो आता है नवरात्र में मंगलवार को मंगला पूजा किया जाता है। तो वैसे तो हमारे यहाँ पूजा होती है, और मैं वहाँ गई थी फूल चढ़ाने के लिए। उपवास सब कर सकते हैं, लेकिन जो मैं उपवास नहीं की थी ना, जो जहाँ पे ये पूजा हो रही ना वो चाची लोग ना पूरे परिवार के लोग उपवास किए थे। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं बताई थी ना कमर दर्द दे रहा है, पैर दर्द बहुत दे रहा है, तो ना मैं दवाई ले रही हूँ। तो खाली पेट का भी खाना है, खाना खाने के बाद भी खाना है, तो इसी वजह से ना मैंने उपवास नहीं किया है। और देखिए अब ना शाम का टाइम है और मेरा बेटा सो गया है, क्योंकि दोपहर को नहीं सोया था और पूजा भी हम लोगों का थोड़ा लेट हो गया था। खाना मैं बनाई हूँ, मेरी देवरानी ना उपवास की इसी वजह से नहीं बनाई, क्योंकि मैं हूँ तो हम उपवास नहीं की थी ना, इसी वजह से मैं खाना बनाती हूँ। और देखी होंगी हम लोग कैसे पूजा की, लाई का जुगाड़ बनाते हैं और मूँग का हलवा को तिखरी बोलते हैं वो बनाते हैं, और लड्डू बनाते हैं 13 ठो ना। तो इस चैत्र मास में ना खीर पूरी नहीं बनता है, दशहरा का जो आता है ना मंगला पूजा उसमें खीर पूरी ही बनता है, और दही दूध सब मतलब लगता है इसमें। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इस मान्यता है इस पूजा का, ये ना बेटे की लंबी उम्र के लिए उसे खुशहाली के लिए पूजा किया जाता है। और आप लोगों को ना मेरे पंखे की आवाज़ आ रही होगी, मेरी गर्मी ना बहुत ज़्यादा बढ़ के देखी, और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जब खाना बना रही थी ना मैं तो बहुत पसीना हो गया था। तो मुझे ना रात को ऐसे नहाने से मतलब सूट नहीं करता है, तबीयत ख़राब हो जाता है मेरा, क्योंकि 2 बार नहाते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं नहा सकती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ना ये रात का टाइम है, खाना वाना हमने खा लिया है, बर्तन भी मैंने धो लिया है। और देखिए ये एक ब्लाउज पीस को मैंने काटा था सिलने के लिए, तो सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जब तक नहीं आ जाते हैं, मेरे हस्बैंड काम पे गए हैं अभी तक आए नहीं हैं, तब तक इसको मैं सिलाई कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम है, दिन में तो सिल नहीं पाती हूँ मेरे बेटे के कारण। तो सोच रही हूँ कि हस्बैंड जी को वैसे ही इंतज़ार करती हूँ मैं आने के बाद ही। तो ये देखिए इसको ना मैं सिल लूँगी, और दिन में मेरे बेटे के कारण सिल नहीं पाती हूँ क्योंकि उसके साथ मुझे रहना पड़ता है। पहले ना मेरा बेटा नहीं हुआ था ना, तब मैं बहुत सिलाई करती थी, लेकिन उसके कारण अब ज़्यादा सिलाई नहीं ले रही हूँ। तो जितना भी मतलब मुझसे हो पाता है उतना मैं सिल लेती हूँ। तो ये ना 4 ब्लाउज पीस मैंने लिया है, तो उसको सिलूँगी। तो चलिए आज के वीडियो को ही पेंट करते हैं, मैं सिलाई करने के लिए बैठने वाली हूँ अभी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे उड़िया रीति रिवाज आपको देखना है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।